फर्स्ट गाइस वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि गिट में लोकली हमारा लाइक गिट लोकल रेपो को किस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड करता है, जो गिट में तीन स्टेजेस आते हैं या फिर तीन इसके जो सेक्शंस आते हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड किया था. द फर्स्ट वन वॉज गाइस फर्स्ट कौन सा था हमारा, वर्किंग डायरेक्टरी या फिर वर्किंग स्पेस, राइट, वर्किंग डायरेक्टरी. सो दिस इज आवर वर्किंग डायरेक्टरी. वर्किंग डायरेक्टरी के बाद लाइक वी हैव अ स्टेजिंग एरिया, करेक्ट एवरीवन, वी हैव अ स्टेजिंग एरिया एंड देन वी हैव अ लोकल रेपो, लोकल रेपो या फिर लोकल रिपोजिटरी. सो गाइस इन तीनों में कोई क्वेरीज आप लोगों को, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रिपोजिटरी, इनमें क्लैरिटी है, राइट? वर्किंग डायरेक्टरी में ऐसे कोड होते हैं, ऐसे फाइल होती है जिनको गिट ट्रैक नहीं कर सकता, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट. अगर मुझे वर्किंग डायरेक्टरी से अपना कोड स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है तो स्टेजिंग एरिया एंड वर्किंग डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन वर्किंग डायरेक्टरी एंड स्टेजिंग एरिया? स्टेजिंग एरिया में जो कोड होता है जिसको गिट क्या कर सकता है, गिट कैन ट्रैक इट, गिट ट्रैक कर सकता है. और लास्ट में वी हैव अ लोकल रेपो. लोकल रेपो आपका रिमोट रेपो के साथ कनेक्टेड होता है जिससे आप अपना कोड पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, फेच कर सकते हो. इन शॉर्ट लोकल और रिमोट में जो कनेक्शन है वो लोकल रिपोजिटरी का रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्शन होगा, राइट? देन वी अंडरस्टूड फ्यू ऑफ द कमांड्स. उसमें से गाइस मैंने आपको एक गिट एड कमांड सिखाया था, यू माइट बी नोइंग इट. गिट एड कमांड का क्या यूज होता है गाइस, व्हाट इज द यूज ऑफ गिट एड कमांड? टू सेंड कोड फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी टू स्टेजिंग एरिया, करेक्ट. जो कोड आपको अगर वर्किंग डायरेक्टरी से, वर्किंग स्पेस से जो अनट्रैक्ड फाइल है उसको गिट को अगर आपको ट्रैक करवाना है तो यू गाइस कैन यूज गिट ऐड कमांड. देन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गिट कमिट, राइट एवरीवन, व्हाट इज द यूज ऑफ गिट कमिट? जो कि आपको स्टेजिंग एरिया से अपना कोड अगर लोकल रेपो पे लेके जाना है, लोकल रिपोजिटरी पे कमिट करना है तो यू हैव अ गिट कमांड, गिट कमिट कमांड, करेक्ट. देन वी हैव गिट पुश. गिट पुश क्या करता है गाइस, what is the use of git push? It sends the code to the remote repository from local repository. Correct. Local repository पे जो आपका code है that you can simply you can transfer it, you can send it to the remote repository पे आप भेज सकते हो, send कर सकते हो, ठीक है? Then you have a git. Guys हमारे लिए fetch उतना ठीक है, git fetch. तो git fetch क्या करेगा? Simply remote repo का code आपका local repo पे लेके आएगा, local repository पे लेके आएगा. That is git fetch command. Moreover, we are interested in git pull, right everyone? तो git pull क्या करता है? Remote repo का code local repo से आपका staging, staging से working directory में आएगा, where you can directly start editing the code. Correct everyone? Yes or no? Yes. So these are the major commands. These are the major kind of things that we will be doing it. Okay, हम जो complete करेंगे. So first of all, guys. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल डिस्कस अबाउट रिमोट रेपो. हम रिमोट रेपो के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो गाइस रिमोट रेपो के लिए वी नीड अ गिट हब. रिमोट रेपो के लिए हमें क्या लगेगा? वैसे रिमोट रिपोजिटरी आप अलग अलग आपको होस्टिंग सर्विसेज आते हैं, दे कैन प्रोवाइड यू द रिमोट रिपोजिटरी. वैसे बिट बकेट आता है, देर इज गिट, आपका गिट हब है, गिट लैब है, ऐसे बहुत सारे आते हैं. We are going to use GitHub. हम क्या use करेंगे everyone? We are going to use the GitHub. So first of all guys, let me come up here. You just need to go to this GitHub. Guys, आपको GitHub पे जाना है. You need to go to the GitHub. ठीक है? First of all, आपको GitHub पे जाना है. Everyone, you need to go to this particular place. आपको GitHub पे जाना है. Now, GitHub पे guys. सबसे पहले व्हाट आई डू, आई साइन इट आउट फ्रॉम हियर. आप गिटहब सर्च करोगे तो हियर गिटहब आपको काइंड ऑफ इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा. दिस इज गिटहब का गाइस पोर्टल, और यू कैन से काइंड ऑफ यहाँ पर आप अपनी रिपो क्रिएट कर सकते हो, रिमोट रिपो क्रिएट कर सकते हो. ठीक है? नाउ गिटहब जो है वो हमारा सोर्स कोड मैनेज करेगा रिमोट रिपोजिटरी पे. तो हियर आप फर्स्ट टाइम हो तो आप साइन अप पे जाओगे. ऑन अ साइन अप वो आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा. आपको ईमेल आईडी कंटिन्यू आपको प्रेस करना है, एंटर करना है, आपको कंटिन्यू करना है. यू नीड टू गो अहेड. आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद यू विल रिसीव वन कंफर्मेशन ईमेल, वेरिफिकेशन ईमेल आपके ईमेल पे आएगा.
आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है. द मोमेंट आपने उस अकाउंट को वेरीफाई किया, आपका गिटहब अकाउंट बन जाएगा. ठीक है, वंस यू डन विथ इट गाइस, आई बिलीव यू गाइस कैन डू दिस राइट. गिटहब पे आप अपना रेपो सेटअप कर लेना. सेटअप करने के बाद यू नीड टू साइन इन. सो लेट मी साइन इन गाइस. अभी मुझे सबसे पहले पासवर्ड याद आ रहा है क्या, वो इम्पोर्टेंट है गाइस. रिसेंटली आई चेंज्ड. ओके सो ठीक है, जैसे ही आप अपना रेपो क्रिएट कर लोगे, सॉरी नॉट रेपो, आप अपना गिटहब पे अकाउंट क्रिएट कर लोगे, यू विल गेट द स्क्रीन लाइक दिस. आपको इस तरीके का स्क्रीन मिलेगा. ठीक है एवरीवन, यू विल गेट द स्क्रीन लाइक दिस. अभी एक बार आपका इस तरीके से अकाउंट बन गया, सेटअप हो गया, यू नीड टू क्रिएट द रिपोजिटरी. नाउ हियर यू कैन सी देर आर लॉट ऑफ रिपोजिटरीज दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. एंड वन मोर यू गाइस कैन डू, आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है. यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन है, या फिर यहाँ पर प्लस सिंबल दिख रहा है सबको, एवरी वन कैन यू सी दिस प्लस सिंबल राइट. आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने का. आप यहाँ से करो, अदरवाइज यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम हियर. इट विल रिडायरेक्ट यू टू द सेम पेज इटसेल्फ, आपको रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए बोलेगा. सो नाउ हियर इट विल आस्क कि रिपोजिटरी कौन बना रहा है, हु इज द ओनर ऑफ द रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का नेम क्या है. सो लेट मी राइट डाउन गाइस, लेट्स गिव एनी नेम. सो हम बोलते हैं लेट्स गिव इट गाइस ऑटोबॉट, ऐसा हम अपने रिपोजिटरी का नाम दे देते. ठीक है चलेगा ना गाइस, वी कैन गिव दिस नेम राइट. ऑटोबॉट करके हमने एक रिपोजिटरी बना लिया. ये कौन सा रिपोजिटरी रहेगा, ये पब्लिक रहेगा. इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी नेम्स अदरवाइज इफ यू ओके लेट मी गिव ऑटोबॉट अंडरस्कोर 01 गाइस, ऐसा कुछ मैं रिपोजिटरी का नेम दे देता हूँ. ओके गाइस, सबसे पहले एक पब्लिक रहेगा और प्राइवेट रहेगा. प्राइवेट रिपोजिटरी के लिए यू नीड टू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ गिट हब पे. आपको सब्सक्रिप्शन, आपको पेड सर्विसेज लेना पड़ेगा. आप कुछ मत करो, फिलहाल पब्लिक रहना तो कोई इशू नहीं है, जस्ट सिलेक्ट द पब्लिक. ठीक है यहाँ पर कुछ ऑप्शन होंगे, डोंट डू एनी थिंग, सिंपली आपको क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट क्लिक इट. ओके गाइस लेट मी सिंपली ओके मैं यहाँ पे एक न्यू नोटपैड फाइल बनाता हूँ. आई डोंट नीड दिस वन. चलो गाइस, सो वॉट स्टेप्स वी नीड टू डू फर्स्ट हमें क्या करना है गाइस, द फर्स्ट वी नीड टू रजिस्टर ऑन गिटहब. गिटहब पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर करो, क्रिएट योर अकाउंट और लेट मी से यस, क्रिएट अ न्यू अकाउंट ऑन गिटहब. ठीक है आप गिटहब पे आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करो, अदरवाइज आपका अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है यू गाइस कैन रीयूज इट. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. ठीक है उसके बाद गाइस सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन गिटहब. गिटहब पे आप अपना रिपोजिटरी क्रिएट करो. नाउ ये जो मैं रिपोजिटरी क्रिएट करूंगा गाइस, ये कौन सा रिपोजिटरी रहेगा, विल इट बी अ लोकल रेपो और विल इट बी अ रिमोट रेपो, ये कौन सा रिपोजिटरी रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका रिमोट रिपोजिटरी रहेगा राइट एवरीवन. दिस वन विच आई हैव क्रिएटेड जस्ट नाउ, ये जो मैं क्रिएट रिपोजिटरी करूंगा ये कौन सा रिपोजिटरी रहेगा एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी आर रिमोट रिपोजिटरी राइट, करेक्ट एवरीवन. तो सी कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करना है, आप स्टेप्स को फॉलो करो एंड जस्ट से क्रिएट रिपोजिटरी. ठीक है तो क्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट करोगे, यू विल गेट द स्क्रीन लाइक दिस. आपको इस तरीके से रिपोजिटरी मिलेगा, यू विल गेट द रिपोजिटरीज लाइक दिस. ठीक है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, जब आप न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो गाइस मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं. इधर आप अपने अकाउंट में जब होगे तो यहाँ पे न्यू बटन है या फिर यहाँ पर प्लस सिंबल है. सिलेक्ट न्यू रिपोजिटरी, गिव रिपोजिटरी नेम, कीप इट पब्लिक, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट से क्रिएट रिपोजिटरी. द मोमेंट आपने रिपोजिटरी क्रिएट कर दिया, दिस रिपोजिटरी विल स्टार्ट शोइंग हियर इन योर रिसेंट रिपोजिटरी लिस्ट में दिखाई देगा. दिस वन इज आर रिपोजिटरी गाइस इन विच वी आर इंटरेस्टेड. ठीक है सो कोई क्वेरीज गाइस टिल दीज टू स्टेप्स, क्रिएट
अकाउंट ये आपको करना है एंड देन आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है. वंस यू डन विथ दैट गाइस, एक बार आपने ये कर लिया, नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखो, गिट को आपको इंटीग्रेट करना है आपके लोकल पे. देर आर टू वेज गिट, आप दो तरीके से यूज कर सकते हो. यू गाइस कैन यूज गिट बाई टू डिफरेंट वेज. एंड पहला वाला जो तरीका है दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस. सो कमांड लाइन इंटरफेस की जब मैं बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पर आपको कुछ गिट ऐड गिट कमिट जो हमने कमांड्स देखे हैं वो कमांड्स आपको यूज करने पड़ेंगे. एंड सेकेंडली मोस्ट ऑफ द आईडीज आर प्रोवाइडिंग ग्राफिकल, हमें ग्राफिकल काइंड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं. सो गाइस हम इक्लिप्स यूज कर रहे हैं. सो इक्लिप्स के अंडर का लाइक वील यूज द जीओआई, विल यूज जी ओ आई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग गेट यूज करने वाले हैं. दैट आई विल टेल यू कैसे करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जी ओ आई किस में, हमारा जो आई डी है वो इक्लिप्स है. और आप इक्लिप्स में आई शो यू हाउ टू डू इट. सो द थर्ड स्टेप इज गाइस क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी. आपको क्या क्रिएट करना है गाइस, यू नीड टू क्रिएट अ लोकल रिपोजिटरी. आपको लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना है. वो कैसे क्रिएट करना है गाइस, श्योर आई शो यू कैसे करना है. आपको यहाँ पर आना है, सिंपली इक्लिप्स पे आना है. श्योर गाइस आपको यहाँ पर ओपन पर्सपेक्टिव करके ऑप्शन दिख रहा है, दिस वन सेकेंड लास्ट. आई होवर ओवर ऑन दिस. कैन यू सी दिस ऑप्शन ओपन पर्सपेक्टिव, कैन यू सी दिस वन एवरीवन. आई होप दिस इज विजिबल राइट. Now you just need to click on this open perspective. Open perspective में default आपको इस तरीके का screen दिखाई देगा, तो उसमें git option होगा ही. I hope कि हमने latest Eclipse install की है, everyone will get this screen. We are interested in git. तो that I'll simply guys, मैं यहाँ पे third step लिख देता हूँ, that create a local repository. कैसे create करोगे, तो that आप first of all click on open perspective पे क्लिक करो. देन what else यू नीड टू select git from given UI या फिर options, from options available, like select git from the options which you are going to get. So select this git and say open. Git or open करो guys, simple. Select git and simply click on open पे क्लिक कर दो. And next thing guys, what else you need to do? हमारे पास यहाँ पर git का like देखो, मुझे यहाँ पर show कर रहा है, किसी को यहाँ पर bottom में show करेगा, किसी को center में show करेगा, कहीं पर भी show करने है तो you need to get this three options. Add an existing local git repository, clone a git repository, create a new local git repository. तो ये तीन option है guys. Add an existing local git repository, clone भी कर सकते हो आप और local git repository भी create कर सकते हो. So guys, we'll select this one. We'll select the clone git repository. हम third वाला जो second वाला option है that select clone git repository. हम clone सिलेक्ट हम करेंगे क्लोन गिट रिपोजिटरी. विल सिलेक्ट दिस वन क्लोन अ गिट रिपोजिटरी. यहाँ पर क्लोन गिट रिपोजिटरी सिलेक्ट करने पे गाइस यू विल गेट दिस काइंड ऑफ विंडो. आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा. नाउ आपको क्लोन कैसे करना है, आई विल शो यू गाइस. अभी ये वाला विंडो देखो, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ विंडो. एंड द मोमेंट गाइस मैं अपनी जो लोकल रेपो है उस लोकल रेपो को मैं क्लोन करना चाहता हूँ. क्लोन याद है ना गाइस, गिट क्लोन कमांड याद है ना, वी हैड अ डिस्कशन डे बिफोर यस्टरडे. गिट क्लोन एंड गिट पुल रिमोट रेपो को डायरेक्टली आपके वर्कस्पेस में लेके आता है. यू नो इट राइट गाइस, रिमोट से लोकल, लोकल से स्टेजिंग से आपका वर्किंग डायरेक्टरी लेके आता है. नाउ गाइस हियर HTTPS SSH कनेक्शन मिलेगा एंड हियर यू हैव द कॉपी का ऑप्शन. जस्ट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट सिलेक्ट दिस ऑप्शन, आप कॉपी करो दैट गाइस. सिंपल, मैं यहाँ पर फोर्थ स्टेप भी ऐड कर देता हूँ. कॉपी रिमोट रिपोजिटरी लिंक, आप रिमोट रिपोजिटरी के लिंक है उसको कॉपी कर लो.
जस्ट दिस वन गाइस, आपने जो रिपो क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट करो एंड नाउ गाइस सिंपली क्लोन अ गिट रिपोजिटरी है यहाँ पर क्लिक करो, आपने जिसको कॉपी किया होगा दिस गॉट एडेड, करेक्ट एवरीवन, ये ऐड हुआ राइट गाइस, यस और नो, दिस गॉट एडेड, दिस गिट रिपोजिटरी गॉट एडेड, सो हियर इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। नाउ हियर ऑथेंटिकेशन है, इफ यू वांट टू गिव द ऑथेंटिकेशन ओवर हियर यू गाइस कैन गिव इट अलल, ओके, ये आपको ऑथेंटिकेशन कौन सा देना है, आपको ऑथेंटिकेशन जो देना है नाउ आपका जो गिटहब का क्रेडेंशियल्स है, दिस गिटहब का जो क्रेडेंशियल्स, आपने जो गिटहब अकाउंट जो क्रिएट किया वो गिटहब का गाइस क्रेडेंशियल्स यू नीड टू गिव इट, आप अपना ईमेल आईडी दे सकते हो या फिर यूजर नेम दे सकते हो, आई एम गोइंग टू गिव द यूजर नेम, सो दिस इज यूजर नेम जो मैंने दे दिया एंड आई विल गिव द पासवर्ड एज वेल गाइस, मैं अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर पासवर्ड अपना एंटर कर लूंगा एवरीवन, आई विल मेंशन द पासवर्ड हियर एंड आई विल से नेक्स्ट, मैं कुछ नहीं करूंगा, आई विल से द नेक्स्ट, जैसे ही मैं नेक्स्ट बोलूंगा गाइस हियर यू विल गेट डिफरेंट ऑप्शन, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट द नेक्स्ट, नेक्स्ट बटन क्लिक करोगे तो गाइस देखो यहाँ पर यूजर्स के अंडर जो मेरा यूजर नेम है, यूजर नेम के अंडर देर इज अ गिट फोल्डर, वहां पर गिट फोल्डर बनेगा, गिट के अंडर दिस रिपोजिटरी इज गोइंग टू गेट एडेड, क्लियर एवरीवन, ओके, तो आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ समझना नहीं है, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट द फिनिश बटन एंड द मोमेंट आप फिनिश बोलोगे हियर यू कैन सी आपका गिट रिपोजिटरी गॉट एडेड, क्लियर एवरीवन, ये थर्ड स्टेप में कोई क्वेरीज किसी को, आई होप दिस इज क्लियर राइट, फॉलो द स्टेप्स गाइस, वैसे भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, यू गाइस कैन सी द रिकॉर्डेड सेशन इफ अगर कोई डिफिकल्टीज आ रहा है आपको तो, ठीक है, ओके, वंस इट इज डन गाइस, ये होने के बाद फोर्थ स्टेप व्हाट आई नीड टू डू, मुझे क्या करना है फोर्थ स्टेप गाइस, आई नीड टू ओपन माई जावा का रिपोजिटरी, जावा जो कोड है, सो सिंपली गाइस यहाँ पर आपका जो ये गेट है ये आपका जावा कोड है, सिंपली दिस सेकेंड ऑप्शन यू विल सिलेक्ट ऑन दिस, आपको अपने कोड्स दिखाई देंगे एंड अगर आपको याद होगा तो दिस वॉज द फ्रेमवर्क जो हमने सेटअप किया था राइट एवरीवन, करेक्ट करेक्ट एवरीवन, नाउ हियर फ्रॉम हियर वी विल सिलेक्ट द राइट क्लिक, राइट क्लिक तो गाइस ओके सो द लाइक व्हाट वी नीड टू डू, राइट क्लिक ऑन मेवन प्रोजेक्ट, हमारा जो मेवन प्रोजेक्ट है गाइस आपको याद होगा तो जो हमारा ई कॉमर्स डॉट प्रोजेक्ट है तो दैट वॉज अ हमारा मेवन प्रोजेक्ट था, पूरा फ्रेमवर्क था राइट, सो यू जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन द मेवन प्रोजेक्ट, मेवन प्रोजेक्ट से आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट टीम, आपको टीम करके ऑप्शन मिलेगा, सो हियर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे जाओ, यहाँ से टीम ऑप्शन पे जाओ, टीम ऑप्शन पे यू विल गेट टू ऑप्शंस अप्लाई पैच एंड शेयर प्रोजेक्ट, तो टीम में से वी नीड टू सिलेक्ट दिस शेयर प्रोजेक्ट, आल एड द स्टेप एज वेल, सिलेक्ट टीम से वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू सिलेक्ट द शेयर प्रोजेक्ट पे हम लोग सिंपली इसको इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, सो वंस इट इज डन शेयर प्रोजेक्ट पे तो गाइस यहाँ पर विल गेट दिस काइंड ऑफ विंडो, हमें इस तरीके का विंडो दिखाई देगा एंड नाउ हियर विल गेट द गिट रिपोजिटरी, अभी अगर आपको याद होगा तो दिस वॉज द रिपोजिटरी विच वी एडेड जस्ट नाउ, इट वी एडेड दिस रिपोजिटरी, हमने क्लोन करके ये रिपोजिटरी एड किया था राइट गाइस इन द प्रीवियस स्टेप, थर्ड स्टेप में इसको हमने ऑप्शन आई मीन दिस रिपोजिटरी विच एडेड, सो जस्ट सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, सो लेट मी एड द स्टेप्स हियर गाइस, सेलेक्ट दी आपकी रिपोजिटरी, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दी रिपोजिटरी विच वी हैव क्लोन, हमने जिसको क्लोन किया था, मैं क्लोन ही लिख देता हूँ, जिसको आपने क्लोन किया था उसको सिलेक्ट करो, जस्ट सिंपली सेलेक्ट दिस वन गाइस, यहाँ से आप अपने रेपो को सिलेक्ट करो एंड जस्ट से फिनिश, जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो अगर आप देखोगे गाइस दिस रिपोजिटरी, ये जो आपका रिपोजिटरी है इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग चेंज हो जाएगा, नाउ ये मेवन प्रोजेक्ट बन जाएगा गाइस, ये मेवन प्रोजेक्ट गिट के साथ काइंड ऑफ थोड़ा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ऑटोबॉट अंडरस्कोर 01 मास्टर इस तरीके का ऑप्शन शोकेस करना शुरू कर दिया, मतलब नाउ दिस आपका जो लोकल रेपो है एंड रिमोट रेपो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, मेक सेंस एवरीवन, मेक सेंस, जो आपका लोकल रेपो एंड रिमोट रेपो है ये दोनों सेटअप हो गया करेक्ट,
नाउ आप फिर से राइट क्लिक करो, आप टीम में जाओ, नाउ यू विल सी दिस डिफरेंट ऑप्शंस. क्या ये हमें ऑप्शंस पहले दिख रहे थे गाइस? आर वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस अर्लियर बिफोर हमने जो कनेक्शन सेटअप किया उससे पहले? क्या हमें ये कमिट, ऐड, ये सारे ऑप्शन मिल रहे थे? पुश, पुल, रिमोट, आर वी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस? नो राइट, नो राइट. सो नाउ दिस ऑप्शंस वी आर गेटिंग. व्हाई वी आर गेटिंग दिस ऑप्शंस? बिकॉज हमने लोकल और रिमोट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया. एनी कन्फ्यूजन गाइस? मेक सेंस टिल हियर? आई होप दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो दीज वेर द स्टेप्स जो आपको फॉलो करने थे. सिलेक्ट द रिपोजिटरी विच वी हैव टू क्लोन, विच वी हैव ऑलरेडी क्लोन. ऐसा होना चाहिए गाइस, करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ नाउ गाइस विल डू द कमिट. हम अपना फर्स्ट कमिट करेंगे. गाइस कमिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिट? कमिट का मीनिंग क्या होता है? आपका कोड गाइस, थोड़ी देर हमने गिट कमिट कमांड देखा था ना. कमिट क्या करता है? अगर मुझे कोई भी कोड रिमोट पे लेके जाना है, रिमोट से पहले वो कहाँ पर होना चाहिए? इट शुड बी एट लोकल रेपो. और लोकल रेपो पे कैसे लेके आते हैं हम लोग? गिट कमिट से लेके आते हैं. सो वी आर गोइंग टू डू द गाइस कमिट. हम कमिट करने वाले कोड को. ओके, तो सिंपली हियर गाइस मैं राइट क्लिक करूंगा. आई विल गो टू दिस टीम. टीम से विल गेट दिस कमिट ऑप्शन. कैन यू सी दिस वन एवरीवन? जस्ट सिलेक्ट दिस कमिट. द मोमेंट आप इसको कमिट करोगे, तो हियर जैसे आप इसको कमिट करोगे तो यू हैव गाइस दिस एंटायरली आपका प्रोजेक्ट है. ये आपका गिट इग्नोर कमांड है. तो गाइस मुझे बताओ ये कौन से फाइल है? ये स्टेज, ये अनस्टेज चेंजेस है. अनस्टेज मतलब कौन सा है गाइस? ये क्या है एग्जैक्टली? व्हाट इज दिस? ये आपका वर्किंग डायरेक्टरी है. वर्किंग डायरेक्टरी से आपको गिट को अगर ट्रैक करना है तो उसको कहाँ पर लेके आना पड़ता है? यू नीड टू टेक इट टू द स्टेजिंग एरिया. तो गाइस सिंपली जितने भी फाइल्स है इनको मैं सिलेक्ट करूंगा. आई ड्रैग इट, ड्रैग करके मैं कहां पर रख दूंगा? स्टेज में. नाउ गाइस यहां से कुछ कोड अनस्टेज दैट इज अनट्रैक्ड फाइल को अगर मैं ट्रैक करना चाहता हूं, अगर मैंने स्टेजिंग पे लेके गया तो गिट इसको ट्रैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एवरीवन यस और नो? यस. नाउ हियर यू हैव द कमिट ऑप्शन एंड कमिट एंड पुश है. तो सिर्फ मैं कमिट करूंगा तो मेरा कोड कहां पर जाएगा? लोकल पे जाएगा. और कमिट एंड पुश करूंगा तो पहले कमिट का मतलब वो लोकल पे जाएगा. लोकल रेपो से कहां पर पुश हो जाएगा? रिमोट रेपो पे. सो आपको कमिट करना है, कमिट एंड पुश करना है. लेट्स डू इट. कमिट एंड पुश. ठीक है, कमिट एंड पुश करते हैं. सो गाइस मैंने यू मस्ट ओके सॉरी माय बैड. यहां पर ये जो कमिट मैसेज है, सो लेट्स से गाइस मैं ऐसे बोलता हूं फर्स्ट कमिट या फिर फर्स्ट टेस्ट कमिट, ऐसा मैं कुछ बोल देता हूँ. टेस्ट कमिट ऐसा मैंने कुछ मैसेज दे दिया. ठीक है, जो भी आपको मैसेज देना है गाइस इस कमिट से आपको पता चलना चाहिए. इस मैसेजेस के बेसिस पे आप क्या क्या कोड कर रहे हो, क्या कमिट कर रहे हो. ठीक है, सिंपली सिलेक्ट दिस वन कमिट एंड पुश. सिलेक्ट कमिट एंड पुश तो आपको ये रिपोजिटरी का ऑथेंटिकेशन पूछेगा. सो आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप फिर से एंटर करोगे. ठीक है, यू विल एंटर योर ऑप्शन वंस अगेन. आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो शायद दो बार तीन बार भी पूछेगा इनिशियली. उतने टाइम पूछेगा तो उसको एंटर करो. मुझे गाइस मोस्टली मुझे पुश का इशू आता है. विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू. हम अगर मुझे गिट सॉरी माय बैड गाइस अविनाश सॉरी ओके सो लेट मी डू इट गाइस. ओके, तो मुझे ये पुश करने में इशू आ रहा है. ठीक है, आई एम गेटिंग द ओके. तो अगर ऐसा आपको ऑप्शन आता है तो आपको नहीं आना चाहिए. आई डोंट थिंक सो ऐसा आपको ऑप्शन आना चाहिए. दिस काइंड ऑफ गिट प्रॉब्लम आना चाहिए. बट स्टिल अगर आप लोगों को किसी को गाइज ये प्रॉब्लम आ रहा है तो यू जस्ट नीड टू फॉलो फ्यू थिंग्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा वो आपको करनी है. ठीक है, सो सिंपली गाइज आई कम टू दिस रिमोट रेपो. रिमोट रेपो पे ये जो मेरा प्रोफाइल है, हम प्रोफाइल पे जाएंगे. इस प्रोफाइल में कैन यू सी द सेटिंग्स ऑप्शन एवरीवन? अगर आपको ऑप्शन ये एरर आया तो आई डोंट थिंक सो किसी को आएगा. सेटिंग में जाओ. आई विल गिव इट अ ट्राई गाइस.
मैं यहाँ से डेवलपर सेटिंग पे जाऊंगा। डेवलपर सेटिंग्स में से ये पर्सनल एक्सेस टोकन करके रहेगा, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस वन। मैं ये वाला जो टोकन है इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। आई डिलीट माई टोकन, आई जनरेट द न्यू टोकन गाइस। सो लेट मी गिव इट अ ट्राई। सो गाइस, ऐसा मैंने कुछ टोकन रखा। ठीक है, लेट मी गिव इट लाइक दिस ऑटोबॉट टेस्ट। यहाँ पर एक्सपायरेशन डे जो भी आपको देना है सिलेक्ट करो, सिर्फ रेपो को सिलेक्ट करो। आप बाकी सारे ऑप्शन भी कर सकते हो, बट यू डोंट नीड एनीथिंग ऑप्शन, आई मीन एनीथिंग एल्स। हमारे लिए फिलहाल रेपो इनफ है। जस्ट जनरेट टोकन पे क्लिक कर दो तो ये टोकन जो जनरेट हो जाएगा गाइस, इंस्टेड ऑफ पासवर्ड आई यूज दिस टोकन। कभी कभी गेट ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम देता है, सो आई मीन आई डू दिस वन। सो सिंपली गाइस, नाउ आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, पुश करूंगा मैं इसी रिपो। आप अगर देखोगे तो इसी ऑटोबॉट पे मुझे इसको पुश करना है, राइट। आई नीड टू पुश हियर। तो जैसे ही मैं पुश बोलूंगा तो हियर इट विल आस्क फॉर द क्रीडेंशियल्स, आप अपने क्रीडेंशियल्स। ओके, तो गाइस यूजर नेम आप वही यूज करोगे अभी जो मैंने अपना टोकन जनरेट किया। आई यूज दिस टोकन एज अ माई पासवर्ड, ठीक है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी हमारा पुश इज सक्सेसफुल। कैन यू सी एवरीवन, पुश टू दिस वन https github.com। अविनाश का ये मेरा रिपोजिटरी है गाइस, सॉरी ये मेरा अकाउंट है। अंडर एट ऑटोबॉट अंडरस्कोर 02, सॉरी 01, इस वाले यहां पर गाइस मेरा कोड पुश हो चुका है। कैन यू सी एवरीवन, दिस इज विजिबल राइट गाइस, ये मेरा कोड पुश हो चुका है। आई सिलेक्ट द क्लोज नाउ द मोमेंट। ओके गाइस, सो लेट मी ऐड दिस टिप। आप सिलेक्ट करोगे एंड नाउ सिंपली राइट क्लिक, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट। फिर से आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, देन यू विल गो वेयर, यू विल सिलेक्ट सिलेक्ट टीम। आप टीम पे जाओगे, टीम से आपको कमिट वाला ऑप्शन दिखेगा। जस्ट कमिट पे जाओ, कमिट पे जाके गाइस अपने फाइल्स को ऐड करो स्टेजिंग एरिया में। ऐड अ फाइल्स टू स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया में फाइल अपना ऐड करो। उसके बाद गाइस आप क्या करो, कमिट मैसेज दो। कमिट मैसेज आपको देना है। कमिट मैसेज देने पे आपको करना क्या है, आफ्टर गिविंग द कमिट मैसेज सिंपली यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू सिलेक्ट इधर कमिट और कमिट एंड पुश। सो विल से कमिट एंड पुश, हम बोलेंगे कमिट कमिट एंड पुश एंड डन। कमिट एंड पुश बोलेंगे तो हमारा गाइस कोड पुश हो गया। नाउ आई टेक यू टू द रिमोट रिपो। गाइस मैं आपको अपने रिपो पे लेके जाऊंगा हियर, एंड हियर इन दिस ऑटोबॉट अंडरस्कोर 01 गाइस कैन वी सी दिस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट विथ आर मैसेज फर्स्ट कमिट, और हमने कब कमिट किया था उसका टाइम भी आ रहा है। एवरी वन यस और नो, एवरी वन। नाउ आप इस वाले प्रोजेक्ट में जाओ तो गिट इग्नोर फाइल ऐड हो चुकी है और ये आपका रहा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर यू कैन सी गिट गाइस आपका जो भी मेवन डिपेंडेंसी एंड ऑल है, एवरीथिंग यू यू गाइस कैन सी ओवर हियर। आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जो भी आपने गाइस पुश किया होगा, एवरीथिंग जो भी आप कोड को पुश करोगे वो कोड आपका पुश हो जाएगा। अगेन गाइस सिंपली यहाँ पर मैं गिट पे जाता हूँ। पहली बात, इस वाले इस हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट तो था बट आई थिंक गाइस समथिंग इज रॉन्ग विद दिस। आई थिंक मैंने अपना कोड जो है यहाँ से कुछ उड़ा बिड़ा दिया गलती से। जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। लास्ट टाइम तो गाइस यू गॉट इट राइट, हाउ टू पुश, हाउ टू पुश योर कोड, ये समझा ना आपको एवरी वन। सो लेट मी गो समवेयर हियर, इक्लिप्स, ओके, मेडिसॉल्व एंड ऑल। सो हमारा जो रेपो था गाइस, वी आई थिंक एक्सीडेंटली मैंने ऑलरेडी अपना कोड डिलीट कर चुका हो। ओके, बट आई शो यू ऑन अनादर गाइस। ये जैसे हमारा मेडिसॉल्व वाला प्रोजेक्ट था, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कि ये वाला कोड है गाइज, आई नीड टू ओके। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आई से सिंपली गाइज, आई गो टू दिस टीम, मैं डिस्कनेक्ट कर लूँगा, आई डिस्कनेक्ट दिस वन, आई सेलेक्ट दिस वन, लेट से कि मुझे ये वाले कोड को शेयर करना है। तो टीम शेयर प्रोजेक्ट, शेयर प्रोजेक्ट के साथ गाइज सिंपली सिलेक्ट द रेपो, फिनिश। द मोमेंट आपने ये सिलेक्ट किया, नाउ गाइज आल मुझे क्या करना है, टीम पे जाना है, टीम से आई नीड टू गो टू द कमिट। नाउ गाइज दीज आर ऑल फाइल्स जो मुझे कमिट करने हैं। ये अभी गाइज ये सारे फाइल्स जो मैंने क्रिएट किए थे या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था, एंड ये रिमोट पे अवेलेबल नहीं है, राइट एवरीवन? ये सुनो, ये सारे फाइल्स हमारे मेडिसॉल्व के है, नाउ ये अनस्टेज अनस्टेज चेंजेस है। तो इनको गाइज मैं सिलेक्ट कर लूँगा, आई ड्रैग देम टू दिस स्टेजेस एरिया, मैं स्टेज वाले एरिया पे लेके आ जाऊंगा, एंड यहाँ से गाइज यहाँ से मैं अपना मैसेज दे दूंगा। लेट्स से मैं मैसेज दे देता हूँ, लेट्स से सेकेंड टेस्ट कमिट, दिस इज माई मैसेज, एंड आई से कमिट एंड पुश। कमिट एंड पुश पे गाइज आई गिव माई क्रीडेंशियल्स ओवर हियर, बट इन स्टेड गाइज यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बिकॉज यू नो इट, मुझे थोड़ा इश्यूज आ रहा है। सो आई गो हियर सेटिंग्स वंस अगेन, एंड आई सेलेक्ट दिस डेवलपर सेटिंग्स ऑप्शन, आई यूज दिस पर्सनल एक्सेस टोकन, दिस वन वॉज द टोकन विच आई हैव रिसेंटली जनरेटेड, ये मेरा ऑप्शन था, आपको याद होगा, ठीक है, ये मेरा टोकन था। एंड यू हैव लॉस्ट योर फॉग, ओके ठीक है, ये टोकन गाइज मैं वंस अगेन रीजनरेट करूँगा, आई से जितना मुझे ऑप्शन चाहिए रीजनरेट टोकन, ठीक है, आई सेलेक्ट दिस रेपो, आई अपडेट द टोकन, एंड ठीक है, लेट इट बी, लेट मी डिलीट दिस टोकन वंस अगेन गाइज, आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस टोकन, आई से जनरेट न्यू टोकन, ठीक है, आई विल गिव द मैसेज हियर, मुझे कितना टाइम चाहिए, एंड आई विल सिलेक्ट दिस रेपो, एंड सिंपली आई विल से जनरेट टोकन, आई विल गेट द टोकन गाइस, ये टोकन आई विल यूज इट एज अ पासवर्ड ओवर हियर, एंड सिंपली गाइस ये मेरा कोड अभी गाइस, हियर यू कैन सी योर कोड गॉट पुश्ड, योर कोड गॉट पुश्ड। नाउ आई विल कम टू द रिमोट रेपो, मैं अपने रेपो पे आऊंगा। नाउ हियर आपकी जो रेपो थी गाइस, हियर यू कैन सी हमारा जो मेडिसॉल प्रोजेक्ट है, यू कैन सी दिस मेडिसॉल प्रोजेक्ट हियर, इनसाइड दिस मेडिसॉल प्रोजेक्ट गाइस जो जो हमारे टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल थी, प्रोजेक्ट था, एसआरसी था, आपको याद होगा गाइस, टेस्ट आउटपुट था, एवरीथिंग यू गाइस कैन सी ओवर हियर, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? एवरीथिंग यू आर गेटिंग इट हियर, यस और नो? नाउ दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू नीड टू पुश योर चेंजेस टू द, आपको अपना जो भी कोड है वो आपको रिमोट पे पुश करना है, कोई कन्फ्यूजन किसी को? Here you can see page objects, here you can see test, here you can see utils and all. Each and everything, जो भी आपको required है, जो भी आपका changes है, everything you have already pushed over here. You got it everyone? You got it right? जो हमने git architecture देखा था, git architecture जो देखा था, ये guys git architecture आपको practically clear है क्या सबको everyone? Is this clear, guys? कि कुछ confusion है आपको? Clear है, right? I am expecting, guys, कि आपको ये समझा हो. Now, like, we'll have a kind of discussion on this as well. थोड़ा सा I'll give you the discussion. थोड़ा सा, guys, मैं यहाँ पर और kind of explanation दूँगा आपको यहाँ पर. See, now, guys, let's say, अभी मैं इस मेडिसॉल प्रोजेक्ट पे जाता हूँ. ठीक है, मेडिसॉल प्रोजेक्ट पे गाइज, लेट्स से एसआरसी के अंडर, हियर इन द टेस्ट, लेट्स से इन द टेस्ट गाइज आई एम क्रिएटिंग न्यू क्लास, लेट्स से मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, इस क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, लेट्स से जस्ट अ मिनट गाइज, इसको बोलते हैं हम लोग, लेट्स से प्रोडक्ट, लेट्स से प्रोडक्ट ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर ऐसा कुछ दे देते गाइस, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑर्डर नाम का क्लास है हमारा, वी डोंट नीड द एनीथिंग गाइस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुझे बताओ, ये जो मैंने क्लास बनाया है, ये मैंने अपने वर्कस्पेस लोकल पे बनाया कि रिमोट पे बनाया? लोकल लोकल पे। क्या ये कोड रिमोट पे होगा क्या?
will this code will be available on the remote? No, right? अभी ये वर्कस्पेस में है, राइट? नो, ये हमारा वर्कस्पेस पे है. लेट्स से मुझे ये कोड ऐड करना है. सो सिंपली गाइस, आई विल राइट क्लिक ऑन इट. मैं टीम पे जाऊंगा. टीम पे हियर यू कैन सी गाइस, ऐड टू इंडेक्स. ये ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको, ऐड टू इंडेक्स? व्हाई यू आर सीइंग दिस ऑप्शन? आपको ये ऑप्शन क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपने कुछ चेंजेस किया है. नाउ अगर मैं ये ऐड टू इंडेक्स करता हूँ, दिस वन ऐड टू इंडेक्स, द मोमेंट आई एम गोइंग टू से दिस ऐड टू इंडेक्स, तो सिंपली ये वर्कस्पेस पे जो कोड है ये आपका अनट्रैक, अनचेंज, अनस्टेज चेंजेस कहाँ पर चले जाएगा? इट विल बी एडेड टू द स्टेजिंग एरिया. और स्टेजिंग एरिया पे जाएगा तो गिट उसको क्या करेगा? विल गिट विल बी एबल टू ट्रैक इट और नॉट? यस और नो? करेक्ट. सो लेट्स डू इट गाइस एवरीवन. आई एम सेइंग दिस वन, आई एम गोइंग टू दिस टीम. आई से दिस ऐड टू इंडेक्स. द मोमेंट आई एम सेइंग ऐड टू इंडेक्स, जैसे मैंने ये ऐड टू इंडेक्स कर लिया गाइस, हियर मैं टीम पे जाऊंगा तो नाउ हियर आई एम गेटिंग द रिमूव फ्रॉम इंडेक्स. नाउ ये रिमूव फ्रॉम इंडेक्स क्या है गाइस? तो जैसे गाइस मेरा कोड कुछ वर्कस्पेस से स्टेज गया है, अगर स्टेज से वो कोड मुझे फिर से वर्कस्पेस पे लेके आना है तो कौन सी कमांड है? देयर इज अ गेट रीसेट कमांड. करेक्ट. तो हम इससे भी कर सकते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला, मोस्ट ऑफ द आईडीज नाउअडेज जो इंटेलिजेंट आईडीज है वो आपको गिट का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ से द मोमेंट आई एम सेइंग रिमूव फ्रॉम इंडेक्स, ये इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा. यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट क्लियर? रिमूव फ्रॉम इंडेक्स का मीनिंग क्या है? आपका जो कोड स्टेजिंग एरिया पे था, जो जिसको गिट ट्रैक कर रहा था, गिट उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? गिट उसको अनट्रैक करना स्टार्ट कर दिया. लेट्स से गाइस मैं पूरे कोड पे जाता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर टीम वाले ऑप्शन पे जाता हूँ. कैन आई सी दिस गेट, सॉरी दिस ऐड टू इंडेक्स? करेक्ट. या फिर गाइस आप कमिट पे जाओ. कमिट पे जाओगे तो यही एक पर्टिकुलर क्लास था जिसको गिट अभी तक ट्रैक नहीं कर रहा था, रेस्ट ऑफ द कोड जिसको गिट ऑलरेडी ट्रैक कर रहा था. करेक्ट एवरीवन? एम आई करेक्ट ओवर हियर? यस और नो? नाउ आई जस्ट पिक दिस वन. गाइस मैं यहां से इसको ड्रैग करूंगा तो ये कहां पर चले गया? नाउ ये वर्कस्पेस से कहां पर चले गया? स्टेजिंग से. स्टेजिंग से मुझे लोकल पे लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू डू? गिट कमिट. गिट कमिट. कमिट के बाद मैं पुश कर सकता हूँ. तो क्या करते हैं? सिर्फ गिट कमिट, चलो फिलहाल गिट कमिट करते हैं. द मोमेंट आम ओके, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मैं से बोलता हूँ एडेड, एडेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑर्डर टेस्ट, ऐसा मैंने कुछ क्लास ऐड किया है. टेस्ट क्लास, ऐसा मैंने कुछ ऐसा मैसेज दे दिया जो कि जिसको रीड करके मुझे पता चलेगा कि मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ. एंड आई से कमिट. द मोमेंट आई एम सेइंग द कमिट गाइस, मेरा कोड कमिट हो चुका है. एंड हियर वी हैव द पुश, हमारा पुश ऑप्शन है. विल सेलेक्ट दिस पुश. द मोमेंट वी आर सेइंग दिस पुश, तो यू गाइस कैन सी कि आप किसको कमिट कर रहे हो, क्या कमिट कर रहे हो, एग्जैक्टली कौन सा कमिट था जिसको आप पुश कर रहे हो टू द रिमोट. एंड यू विल से पुश हियर. सिंपली गाइस सिमिलर वे पे आप अपना, आई थिंक दिस टाइम आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ इशू आना चाहिए. आई यूज पासवर्ड दिस टाइम. अगर मैं अपना पासवर्ड यूज कर रहा हूँ तो भी ये पुश हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो गाइस ये आपको इशू नहीं आएगा. आई डोंट थिंक सो आपको इशू आएगा. अगर आपको इशू आ रहा है गाइस, जस्ट सिंपली उसका एक सॉल्यूशन है जो मैंने आपको शोकेस करा है थोड़ी देर पहले. यू जस्ट नहीं होगा गाइस, आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क. ओके आई नीड टू डू द सेम थिंग मुझे करना पड़ेगा. बट यू गॉट द आइडिया एवरीवन, एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. आपको समझा राइट एवरीवन? क्या ये ऑपरेशन क्लियर है आपको? क्लियर. वर्कस्पेस से स्टेजिंग कैसे जाना है, स्टेजिंग से लोकल कैसे जाना है, लोकल से अपना कोड रिमोट पे कैसे पुश करना है. और इससे पहले हमने गिट क्लोन किया था, याद होगा आपको, हमारा रेपो. करेक्ट. करेक्ट एवरीवन? वी कैन डू गिट पुल एज वेल. हम पुल भी कर सकते हैं, गिट डिफरेंस से हम कोड को देख भी सकते हैं. एंड ये सारे ऑप्शंस गाइस, आई विल सी नथिंग ओवर हियर. और मुझे इसका ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक सो. ओके ठीक है, रहने दो. यहाँ पर गाइस मैं चले जाता हूँ. आई विल गो टू दिस टीम ऑप्शन. टीम में आपको कमिट ऑप्शन दिखाई देगा. हियर यू कैन सी पुल. पुल का मतलब क्या है गाइस? गिट पुल कमांड.
याद है ना, गिट पुल एवरीवन। गिट पुल क्या करता है, रिमोट से जो भी कोड है लोकल, लोकल से स्टेजिंग, स्टेजिंग से वर्कस्पेस लेके आएगा। इफ यू वांट दिस, आपको टीम में गिट पुल ऑप्शन भी मिल जाएगा। यू हैव फेच एज वेल, आपके पास फेच ऑप्शन भी है। अगेन आप रिमोट में जाते हो, पुश फेच ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यू हैव दिस मर्ज ऑप्शन, विल कम बैक टू दिस पॉइंट। ये मर्ज क्या होता है इसके ऊपर आएंगे हम लोग, डोंट वरी, इग्नोर एंड ऑल ये बहुत सारे। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच को रिमोट ब्रांच से डिसकनेक्ट करना चाहते हो, लोकल और रिमोट में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं रखना चाहते हो, यू कैन सी सेलेक्ट दिस वन डिसकनेक्ट ऑप्शन, ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी वन, एनी क्वेरीज? क्या गिट क्लियर है सबको, एवरीवन? लोकल रेपो एंड अ रिमोट रेपो, गिट एंड अ गिट हब, ये स्टेप्स जो मैंने आपको बोले ये आपको फॉलो करने, करके देखो, यू विल कम टू नो कि एग्जैक्टली गिट कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको समझ जाएगा। आप अपने प्रोजेक्ट में गाइस शोकेस करोगे कि आप इसी तरीके से पुश करते थे, कोई भी गिट कमांड लाइन यूज नहीं करता था। गिट कमांड लाइन भी आता है गाइस, बट उतना मेरे पास या फिर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग कमांड लाइन गिट इंटरफेस सीख सकते हैं। मोर ओवर इन फ्यूचर गाइस, अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल क्रिएट सेपरेट काइंड ऑफ प्लेलिस्ट और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ यूट्यूबर्स, यू गाइस कैन गो एंड यू कैन लर्न अबाउट दिस गिट कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में, आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो इतना फटाफट नहीं समझ सकते। फिलहाल गाइस हम ऐसे ही यूज करते थे और आप ऐसे यूज करो, कमांड लाइन के थ्रू यूज करो, जीयूआई के थ्रू यूज करो, होना तो अल्टीमेटली ऑपरेशंस तो सेम ही करने वाले हो आप लोग। कोई कंफ्यूजन गाइस आपको इन कमांड्स में, ऐड दैट इज वर्कस्पेस स्टेजिंग लोकल रिमोट, ये क्लियर है? पुश पुल क्लोन कमिट ऐड, ये क्लियर हुआ क्या सबको, एवरीवन? आर वी गुड, आर वी गुड एवरीवन? ठीक है। एंड इसके ऊपर गाइस एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ टू रिजॉल्व अ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। ये बहुत फेवरेट इंटरव्यूअर क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन आपको जनरली आता है। तो क्वेश्चन ऐसा है गाइस, हाउ टू रिजॉल्व, ओके गाइस आई विल डू व्हाट, मैं आपके लिए ये स्टेप्स सेव कर लेता हूँ, व्हाट आई कैन गिव, ये डेमो में सेव हो रहा है, ठीक है। गिट स्टेप्स करके गाइस मैं इस फाइल को मेंशन कर लेता हूँ, विल यूज दिस फाइल लेटर ऑन, ठीक है। लेट मी गो टू न्यू, व्हाट आई हैव डन, ठीक है, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है। आई थिंक मैंने फाइल ऑलरेडी सेव किया, राइट एवरीवन? आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेट मी चेक वंस, गिट स्टेप्स शुड हैव, ओके ऑल द स्टेप्स आर देयर, ठीक है। नाउ गाइस द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज वेरी 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 कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट देखो गाइस, इस टॉपिक को आप उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे, रियल टाइम बेसिस पे जब तक आप गेट या फिर कोई भी रिमोट रेपो है उस रिमोट रेपो पे बहुत सारे लोग, पूरी टीम या फिर मल्टीपल डेवलपर्स, आपके ऑटोमेशन टेस्टर्स जब तक काम नहीं करेंगे एक ही जगह पे, एक ही रेपो पे, तब तक आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे। बट गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आए तो आपको क्या करना है, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, आपको करना क्या है, ये मैं आपको क्लियर आउट कर सकता हूँ, आपको मैं थोड़ा समझा सकता हूँ। और अगर आपको चाहिए तो गाइस आप क्या करोगे, आई गिव यू काइंड ऑफ मतलब ये रेपो का लिंक दे दूंगा, आई शेयर द रेपो का लिंक विथ यू, आप इस सेम रेपो पे कुछ कोड ऐड करने का ट्राई करो, और आप कुछ कोड ऐड करने का ट्राई करोगे, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हमें यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, और उस कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग रिजॉल्व करने का लास्ट में देख सकते हैं, अभी नहीं, 3-4 दिन बाद, या फिर हमारा बेसिक कोर जावा हम लोग करने वाले हैं जो हमारा पार्ट बाकी है, आफ्टरवर्ड्स वी कैन सी दिस प्रैक्टिकली। बट गाइस
उतना प्रैक्टिकली आपको नहीं समझेगा जब तक आप इंडस्ट्री में किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे नहीं काम करोगे, बट आई गिव यू काइंड ऑफ आइडिया, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दूंगा, उसको समझ के आप थोड़ा सा ट्राई करो कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है. सो द टुडेज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, एंड दैट क्वेश्चन इज हाउ टू रिजोल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स. तो सबसे पहले गाइज आई नीड टू एक्सप्लेन यू सर्टन, कुछ चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. मैं आपको थोड़े गिट के और एडवांस ऑपरेशन समझाऊंगा, और जो रिमोट रेपो पे कुछ ऑपरेशन चलते हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हम लोग रिजोल्व कैसे कर सकते हैं. आई ट्राई टू काइंड ऑफ शो यू काइंड थोड़ा सा पिक्चर गाइज मैं आपके सामने क्लियर करने का ट्राई करूंगा, समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है. सो लेट्स से गाइज, लेट्स से हमारा ये रिमोट रेपो है, ये हमारा रिमोट रेपो है, ठीक है. रिमोट रेपो गाइस, लेट्स से दिस इज आर रिमोट रेपो, ठीक है, ये हमारा रिमोट रेपो है. अभी मुझे आप एक बात क्लियर करो गाइस, इस रिमोट रेपो पे जो भी कोड होगा यही कोड हम सब लोग क्लोन करेंगे, यस और नो. लेट्स से गाइस, लेट्स से ये आपका टीम मेंबर है, लेट्स से ये आपका जूनियर QA है, या फिर लेट्स से मैं बोलता हूँ ये टीम मेंबर, या फिर लेट्स से ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है ए, आई एम सेइंग दिस इज ए. अनादर पर्सन इज देयर विच इज सी, या फिर गाइस लेट मी गिव सम काइंड ऑफ रियल आप लोगों के किसी के नेम दे देता हूँ. लेट्स से देयर इज रेवती, यहाँ पर एक रेवती है. लेट्स से यहाँ पर वी हैव परितोष, ठीक है, एंड लेट्स से यहाँ पर रवि है. देयर आर थ्री फोक्स, जो अभी बहुत सारे लोग हैं गाइस, डोंट वरी, सब लोग हैं आप ऐसे मान के चलो, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिंपल सा एग्जांपल. ये आप सब लोग हो, लेट्स से हमारा स्प्रिंट गाइस, लेट्स से हमारा स्प्रिंट स्टार्ट हुआ थर्ड से हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होगा, तो थर्ड से लेके गाइस हमारा फ्राइडे तक 14 तक हमारा स्प्रिंट चलेगा. थर्ड से लेके 14 तक 2 वीक का स्प्रिंट ऐसा ही चलेगा ना, यस और नो. लेट्स से आवर स्प्रिंट गॉट स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड, एंड ये कहाँ तक एंड होने वाला है, ये होने वाला है एंड 14 तक, ठीक है. अभी थर्ड को क्या किया, जो रिमोट पे पूरा जो कोड है, पूरा का पूरा जो कोड है रिमोट पे, ये जो कोड है ये पूरा का पूरा कोड ये परितोष ने ले लिया, सेम कोड ये रेवती ने भी ले लिया, सेम कोड ये रवि ने भी ले लिया. ये तीनों ने कोड थर्ड ऑफ अक्टूबर के दिन गाइस, जो भी हमारा अपडेटेड कोड था, ये कोड सबने ले लिया है, परितोष ने ले लिया, रेवती ने ले लिया, रवि ने ले लिया, इनके पास अपडेटेड कोड है, ठीक है. नाउ परितोष ने कुछ चेंजेस किया. लेट्स से परितोष को हमने कुछ टास्क दिया था कि लेट्स से उसको पेमेंट गेटवे टेस्ट करना था, ठीक है. तो लेट्स से ये पेमेंट गेटवे वाला जो फाइल था ये इसने कुछ ऐड किया, उसने कुछ पेज ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट किए, उसने कुछ न्यू टेस्ट क्लासेस ऐड किए, कुछ टेस्ट एनजी एनोटेशन ऐड किए, कुछ भी गाइस बहुत सारे मॉडिफिकेशन परितोष ने किए, एग्जिस्टिंग फाइल में भी किए, उसके खुद के टेस्ट क्लास में भी किए, थोड़ा छोटा से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी जितना भी चेंजेस है, ये सारा का सारा चेंजेस अभी परितोष कहाँ पर करेगा, अपने लोकल पे करेगा कि रिमोट पे करेगा, कहाँ पर करेगा? He will do it at his own local. अभी उसने खुद के लोकल पे किया, लोकल पे मतलब वो अपने खुद के वर्कस्पेस पे करेगा, करेक्ट? वर्कस्पेस से अगर वो उसको ट्रैक करवाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो ऐड करेगा, स्टेजिंग एरिया में लेके आएगा. स्टेजिंग एरिया में लेके आने के बाद वो अपने कोड को क्या करेगा, अपने कोड को लोकल पे लेके आएगा. क्यों लोकल पे लेके आएगा? बिकॉज लोकल से ही कनेक्टेड क्या है आपका,
रिमोट अल्टीमेटली सबका टारगेट क्या है, सबको करना क्या है, सबको अपना कोड रिमोट पे फिर से भेजना भी है, राइट एवरीवन, यस और नो? रिमोट पे स्टोर भी करवाना है. तो नाउ अगर कुछ भी चेंजेस परितोष ने किया है, यहाँ से ये सारे चेंजेस परितोष ने गाइस सारे के सारे चेंजेस रिमोट पे पुश किए. अभी जो रिमोट पे पुश करेगा, अगर रिमोट पे पुश करेगा गाइस, अगर परितोष का पूरा कोड हमें रिमोट के साथ डायरेक्टली मर्ज करना मतलब उसने जो भी चेंजेस किए वो सारे के सारे कोड को हम इस रिमोट रेपो के अंडर गाइस इंटीग्रेट करेंगे, वो कोड हम लोग यहाँ पर काइंड ऑफ ऐड करेंगे, तो गाइस परितोष का कोड विदाउट कोई रिव्यू किए बिना, कोई भी काइंड ऑफ बिना रिव्यू किए हम अपने रिमोट रेपो पे ऐड करेंगे, तो डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ गुड प्रैक्टिस? नो राइट? तो सबसे पहले क्या करेगा गाइस, लेट्स से परितोष क्या करेगा, अपना जो भी कोड है वो कोड कंप्लीट करेगा. कोड कंप्लीट करके उस कोड को यहाँ पर रिमोट रेपो के साथ मर्ज करने के लिए वो एक ऑपरेशन करेगा, दैट ही विल रेज अ पीआर. वो क्या रेज करेगा गाइस, ही विल रेज द पीआर. पीआर का मतलब होता है पुल रिक्वेस्ट. पीआर का मतलब क्या होता है गाइस, द फर्स्ट थिंग, पीआर का मतलब क्या होता है, पुल रिक्वेस्ट. वो एक पुल रिक्वेस्ट करेगा. अभी ये जो पुल रिक्वेस्ट है, ये पीआर की रिक्वेस्ट आएगी. इस पीआर के रिक्वेस्ट में बोला होगा कि लेट्स से आपका जो रिमोट रेपो है, ये जो रिमोट रेपो है, रिमोट रेपो पे अलग अलग ब्रांचेस है. लेट्स से हमारा मेन ब्रांच है मास्टर. ये मास्टर के साथ हम अपना कोड डायरेक्टली कभी ऐड नहीं करेंगे. मास्टर के साथ हमारा एक, मान के चलो, एक ब्रांच है, डेवलप ब्रांच. वी हैव अ डेवलप ब्रांच. अभी हम अपना जो भी कोड है वो कोड हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, विल ऐड द कोड फ्रॉम द डेवलप. और ये भी जो कोड हमने लिया है, वॉट एवर द कोड वी हैव टेकन फ्रॉम रिमोट, वो रिमोट से हमने कौन से ब्रांच से लिया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम डेवलप ओनली. अभी इस डेवलप में लेट्स से परितोष को एक टेस्ट केस दिया गया था. उस टेस्ट केस का नाम है लेट्स से टीसी टेस्ट केस. ऐसे हम लोग बोलते हैं कि ये है 001, टेस्ट केस 001, ऐसा कुछ फीचर है. तो वो क्या करेगा, टेस्ट केस 001 नाम की एक ब्रांच क्रिएट करेगा. कहाँ पर ब्रांच क्रिएट करेगा, वो टेस्ट केस 001 नाम की ब्रांच यहाँ पर क्रिएट करेगा, रिमोट रेपो पे ब्रांच क्रिएट करेगा. उसी ब्रांच को करेगा क्लोन. इसी, मान के चलो ये डेवलप ब्रांच है गाइस, दिस इज आर डेवलप ब्रांच. ये डेवलप से एक ब्रांच क्रिएट करेगा जिसका नाम है TC001. फॉर एग्जांपल गाइस, ये TC001 ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच के कोड को वो क्या करेगा, सबसे पहले वो ब्रांच के कोड को करेगा पुल. ठीक है, इसने पुल किया. देन लेट्स से रेफ्ती जो कर रही है वो है टेस्ट केस 002. टेस्ट केस 002 है, ये भी ब्रांच डेवलप से बना हुआ है. इसी कोड को रेफ्ती भी करेगी पुल, रेफ्ती भी अपने लोकल पे पुल करेगी. और यहाँ पर है TC003, लेट्स से ये रवि ने किया है, इसको भी रवि क्या करेगा, अपने लोकल पे करेगा पुल. तो सब ने अपने अपने कोड को पुल कर लिया. पुल करने के बाद एवरीवन विल डू द सर्टन चेंजेस. ये जो टेस्ट केस 001 है, यहाँ पर टेस्ट केस 002 है, गाइस फॉरगेट अबाउट हैंडराइटिंग, यहाँ पर टेस्ट केस 003 है, इसमें ये लोग चेंजेस करेंगे. हर एक जन अपना अपना कोड करेगा. नाउ लेट्स से रेफ्ती का कोड सबसे पहले हो गया. रेफ्ती भी क्या करेगी, रेफ्ती भी पुल रिक्वेस्ट रेज करेगी. पुल रिक्वेस्ट किससे रेज करेगी, उसकी जो ब्रांच है टेस्ट केस 002, इसको मर्ज किसके साथ करना है, इसको मर्ज करना है डेवलप के साथ. करेक्ट एवरीवन, ये जो टेस्ट केस 002 ब्रांच है इसको मर्ज करना है डेवलप के साथ. तो रेवती TC002 को मर्ज करने का रिक्वेस्ट भेजेगी डेवलप को. तो ये सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगा आपके रिव्यूअर के पास. लेट्स से मैं आप लोगों का रिव्यूअर हूँ, आई एम योर टेस्ट लीड, या फिर मैं सीनियर डेवलपर हो सकता हूँ.
सीनियर डेवलपर हो सकता हूँ, मैं आपका टेस्ट लीड हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता हूँ गाइज, ठीक है। सो लेट्स से गाइज मैं आपका टेस्ट लीड हूँ, तो मैंने क्या किया, ये जो पुल रिक्वेस्ट रेवती ने किया है मैंने इसको चेक किया। मैंने चेक करते ही मुझे लगा कि रेवती कोडिंग गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रही है। मुझे कहीं लगा कि रेवती का जो लॉजिक है बहुत लेंदी है, इससे कुछ शॉर्टर कुछ छोटा लॉजिक लग सकता है, कुछ और भी अच्छे से कुछ अलग लॉजिक लगा के वो सिंपली ये कोड को ट्राई कर सकती है। तो मुझे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड है मैं वो बिना चेंजेस का, ये जो रेवती ने पुल रिक्वेस्ट रेस किया है, ये जो पीआर रेस किया है, इस पीआर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैं इस पर कुछ कमेंट्स ऐड करूँगा, ये कमेंट्स रेवती को दिख जाएंगे कि उनका जो टेस्ट लीड है, टेस्ट लीड हैज़ प्रोवाइडेड सर्टन चेंजेस, आपको कुछ चेंजेस एड्रेस करने के लिए बोले हैं, आप वो चेंजेस को देखोगे। रेवती विल अगेन डू द चेंजेस हियर, यहाँ पर फिर से अपने लोकल वर्क स्पेस में चेंजेस करेगी। वर्क स्पेस से वो अपना कोड स्टेजिंग में ऐड करेंगी, स्टेजिंग से कहाँ पर ऐड करेगी, अगेन शी विल एड इट टू द लोकल रेपो, लोकल रेपो से वो पुश पुश करेगी कहाँ पर, रिमोट रेमो पे, रिमोट रेपो पे। जब वो सारे चेंजेस पुश करेगी तो गाइस आप मुझे बताओ, अभी जो रेवती ने कोड भेजा होगा ये कोड के सारे चेंजेस मुझे आएंगे, मुझे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, ये सुन लो, मुझे दिखेंगे। अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ कोड से तो इस पीआर को मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट करके इस कोड को मुझे डेवलप के साथ इंटीग्रेट करना है, मतलब करना क्या है, मुझे इसको क्या करना है, आई नीड टू डू द मर्ज, कोड को हमें मर्ज करना है। तो मर्ज से पहले गाइस रेवती ऐसा कोड करेगी जो बगी है, कुछ उसमें बग हो सकता है, कुछ प्रॉब्लमेटिक कोड है, इस बगी कोड को, प्रॉब्लमेटिक कोड को विदाउट अ रिव्यू मर्ज करना इज अ गुड आइडिया, इज इट अ गुड आइडिया, नो राइट, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आएगा, मेरे पास आएगा। अगर मैं रिव्यूअर हूँ मैं चेक करूँगा, इफ़ आई एम सेटिस्फाइड, अगर मुझे लगा कि ये कोड सही है तो मैं मर्ज करूँगा, अगर मुझे नहीं लगा फिर से आई एड सर्टन कमेंट्स ऑन इट, मैं कुछ कमेंट्स ऐड करूँगा। दीज कमेंट्स विल बी शोन टू रेवती अगेन, रेवती विल डू द चेंजेस अगेन, शी विल पुश द लेटेस्ट चेंजेस जो होगा फिर से वो पुश करेगी। देन जिस टाइम पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं इस कोड को मर्ज करूंगा, टेस्ट के 002 को मैं ऐड कर दूंगा डेवलप के साथ, क्लियर। नाउ मुझे बताओ गाइस, अगर मैंने टेस्ट के 002 को मर्ज कर दिया डेवलप के साथ, तो डेवलप में जो कोड था, जो डेवलप में कोड था वही सेम कोड टेस्ट के 002 में गया था, 0001 में गया था, 002 में गया था, 003 में गया था, बट अभी की जो डेवलप है ये ओल्ड डेवलप है कि इसमें कोड कुछ ऐड हो चुका है, सर्टन कोड लाइन ऑफ कोड ऐड हो चुका है जो कि टेस्ट के 002 का कोड था, ये डेवलप में ऐड हो चुका है, डेवलप मॉडिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है, एवरीवन यस और नो, यस और नो, यस। नाउ इस कोड का कॉपी क्या परितोष की जो TC001 है और रवि की TC003 है इसमें कोड है क्या? नो no. नहीं है ना, एवरीवन मेक सेंस, Yes. परितोष, ईशा, रवि, सबको समझ रहा है ना दिस वन? रेवती, ये जो पुल का ऑप्शन है तो ये मतलब लिंक बेस जैसा नहीं होगा, मतलब अपडेट किया है तो होगा ही नहीं जब वो वापस पुल ना करे। हाँ मतलब वो पुश करेगी पहले कोड को चेंजेस अगर है, शी विल डू द पुश ऑपरेशन, पुश करेगी तब इसने जो पीआर रेस किया है, दिस वन पीआर, इस पीआर में रिफ्लेक्ट करेगा शी हैज डन सर्टेन चेंजेस। इफ आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, तभी इस पुल रिक्वेस्ट जो है, इस पुल रिक्वेस्ट को मैं मर्ज करूंगा विद द डेवलप, अगर मैं सेटिस्फाई हूँ, जो भी आपका रिव्यूअर रहेगा अगर वो सेटिस्फाइड है उसको डेवलप के साथ मर्ज करेगा। तो डेवलप का जो हमारा कोड है ये मर्ज हो चुका है, बट जो रेवती का कोड है, जो रेवती का कोड हमने मर्ज किया वो डेवलप में तो आ गया, बट ये डेवलप वाला कोड आपके ब्रांच में और रवि के ब्रांच में है क्या, दैट अपडेटेड कोड? No. नहीं है, राइट, यस और नो?
नाउ लेट्स से आपका टीसी 001 परितोष का टेस्ट केस 001 कंप्लीट हो गया, परितोष भी क्या रेस करेगा, परितोष विल जनरेट विल रेज अ पुल रिक्वेस्ट। तो पुल रिक्वेस्ट जब रेस करेगा तो पुल रिक्वेस्ट को, परितोष के पुल रिक्वेस्ट को क्या आ जाएंगे, परितोष के पुल रिक्वेस्ट को आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स, क्यों आएंगे परितोष, व्हाई यू आर गोइंग टू गेट द कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज जो रेवती का जो कोड था, ठीक है आपने मंडे को कोड लिया, लेट्स से थर्ड को आपने अपडेटेड कोड डेवलप से टीसी 001 टीसी 002 टीसी 003 में सबने अपडेटेड कोड लिया था, लेट्स से रेवती का कोड फोर्थ को कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होके उसने उसको पीआर रेस किया, पुल रिक्वेस्ट रेस किया, पुल रिक्वेस्ट में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करवाने थे, मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करने बोल दिए, रेवती ने कर लिए, रेवती का कोड से मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने इस कोड को लेट्स से फिफ्थ को वेनसडे फिफ्थ को मैंने इस कोड को डेवलप के साथ मर्ज कर दिया, लेट्स से आज सिक्स चल रहा है, सिक्स को आपका पेमेंट रिलेटेड जो भी कोड था उसका आपने पीआर पुल रिक्वेस्ट रेस किया, बट आपने जो पुल रिक्वेस्ट रेस किया क्या इसमें जो डेवलप का लेटेस्ट कोड है क्या ये कोड की कॉपी आपके पास और रवि के पास है क्या, नहीं है ना। एंड नाउ ये पेमेंट वाला टेस्ट केस 001 का कोड अगर मैं रेस करने जाऊंगा, पीआर रेस करूंगा, तो उस पीआर पे मुझे क्या मिलेगा, उस पीआर पे सिक्स को मुझे क्या मिल गया, परितोष को क्या मिल जाएगा, परितोष को मिल जाएगा कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर परितोष को कॉन्फ्लिक्ट्स मिलेगा तो इस कॉन्फ्लिक्ट वाला कोड क्या मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ डेवलप के साथ, No. अगर मैं मर्ज कर दूंगा तो जो रेवती ने चेंजेस किए थे ये सारे उड़ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एवरी वन यस और नो, ये डेवलप से निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, यस और नो, मेक सेंस और नॉट एवरी वन। यस परितोष, जो आपका क्वेरी था वो रिजोल्व हुआ क्या? यस यस, क्योंकि देखो द डे आपने सबने लेट्स से थर्ड को कोड लिया था, सबके पास कोड था, बट रिसेंटली फोर्थ को रेव या फिर फिफ्थ को रेवती का कोड मर्ज हो चुका है एंड द डेवलप इज अपडेटेड एंड आपने सिक्स को पीआर रेस किया, उस पुल रिक्वेस्ट को आई मीन यू गॉट द कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर उस पे कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उसको मैं रिव्यू ही नहीं करूंगा, मैं टेस्ट लीड हूँ, मैं रिव्यू भी नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली कमेंट दूंगा, परितोष गो अहेड एंड रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर आपने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया तो ही मैं आपका कोड मर्ज करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट मर्ज द कोड विद द डेवलप। तो परितोष को क्या करना पड़ेगा, परितोष को सबसे पहले ये जो टेस्ट के 001 ब्रांच है इस ब्रांच से उसको स्विच करना पड़ेगा। स्विच कहाँ पर करना पड़ेगा, ही नीड टू स्विच टू द डेवलप। ये टेस्ट के 001 से वो स्विच कहाँ पर करेगा, ही विल स्विच टू द डेवलप ब्रांच। अभी डेवलप ब्रांच से कैन ही पुल द कोड, डेवलप ब्रांच से कोड पुल कर सकता है क्या परितोष, कि नहीं कर सकता है, यस और नो? Yes. कर सकता है ना, परितोष डेवलप में गया, डेवलप से अगर कुछ कोड को पुल करेगा तो रेवती का जो कोड मर्ज हुआ था वो भी कोड लेटेस्ट कोड अभी परितोष के पास डेवलप में आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? यस, लोकल वाले डेवलप पे आ जाएगा, इस लोकल वाले डेवलप को परितोष मर्ज करेगा। परितोष क्या करेगा, परितोष विल मर्ज, मर्ज करेगा कहां पर करेगा, ही विल मर्ज द कोड जो लोकल वाला डेवलप था इसके साथ, टेस्ट केस 001 था इस ब्रांच के साथ मर्ज करेगा। नाउ अभी टेस्ट केस 001 ब्रांच में डेवलप का लेटेस्ट कोड आ चुका है कि नहीं आया है, यस और नो? आ चुका है। नाउ अभी वो कोड को पुश करेगा, नाउ ही विल ट्राई टू पुश द कोड, द मोमेंट वो कोड को पुश करेगा तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होंगे कि नहीं होंगे एवरीवन, यस और नो? ये कॉन्फ्लिक्ट आपके रिमूव हो जाएंगे। नाउ मैंने पीआर देखा परितोष का, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इफ आई थिंक कि ये कोड जो परितोष ने किया है इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इससे आपका कोड ब्रेक हो सकता है, ऐसा अगर कुछ चांसेस है तो उस कोड को गाइस हम लोग स्टॉप कर देंगे, हम उसको मर्ज नहीं करेंगे, मैं मर्ज नहीं करूंगा, मैं उसको कुछ कमेंट्स दे दूंगा, अगेन परितोष विल डू सडन चेंजेस करके वो कोड को पुश करेगा, पुश मतलब लोकल से रिमोट पे लेके आएगा। नाउ मैं फिर से चेक करूंगा, इफ नाउ दिस टाइम अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ
तो इस कोड को मैं क्या कर दूंगा, इस कोड को मैं मर्ज कर दूंगा किसके साथ, आई मर्ज इट विद द डेवलप। नाउ गाइज लेट्स से मैंने परितोष का कोड सिक्स को मर्ज कर दिया। नाउ रवि भी बहुत मेहनत कर रहा था अपने टेस्ट के 003 पे, और लेट्स से सेवेंथ आ गया है गाइस। सेवेंथ के दिन रवि ने फिर से क्या रेस किया, सेवेंथ को रवि ने रेस किया पीआर। अभी सेवेंथ को अगर रवि पीआर रेस करेगा तो इसके पीआर को भी क्या आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो TC002 का और TC001 को का कोड जो डेवलप में ऐड हो चुका है, मर्ज हो चुका है, ये अपडेटेड कोड रवि के लोकल में है क्या, इस वाले ब्रांच में है क्या, इज इट देयर? नो राइट। तो अगेन रवि क्या करेगा, अगर इसको कॉन्फ्लिक्ट आ गया, अगर रवि को कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो सिंपली रवि को कॉन्फ्लिक्ट आया तो रवि को करना क्या है, टेस्ट के 003 से उसको स्विच करना है। स्विच कहाँ पर करना है, उसके डेवलप ब्रांच में करना पड़ेगा, यस और नो? टेस्ट के 003 से ये डेवलप में जाएगा, क्या डेवलप से लेटेस्ट कोड को पुल करेगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता है एवरीवन, यस और नो? ये जो डेवलप ब्रांच है यहाँ से कोड को पुल करेगा। नाउ अगर इस कोड को ये पुल करेगा तो लेटेस्ट कोड रिमोट में आएगा, सॉरी लेटेस्ट कोड इसके इसके रवि के पास जो लोकल में उसको डेवलप दिख रहा था उसमें आ जाएगा। नाउ इस डेवलप को रवि क्या कर देगा, रवि विल मर्ज विथ हिज ओन ब्रांच, अपने ब्रांच के साथ टेस्ट के 003 के साथ मर्ज कर देगा। नाउ जैसे ही मर्ज करेगा द अपडेटेड कोड इज देयर, अभी अपडेटेड कोड रवि द मोमेंट उसको पुश कर देगा, तो पुश करेगा तो अपडेटेड कोड इस पीआर में ऐड होगा कि नहीं होगा, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। नाउ अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो ठीक है, अगर आपका टेस्ट लीड, आपका जो भी कोड रिव्यूअर है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, रवि को कुछ कमेंट ऐड कर देगा, रवि उसको फिर से चेंजेस करेगा, अगेन ही विल डू द पुश, और जिस टाइम पे रवि का कोड प्रॉपर रहेगा अगेन इस कोड को क्या किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, एंड दिस वे वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको गाइस? क्लियर है क्या ये पार्ट एवरीवन? एवरीवन आई होप दिस शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस इंटरव्यू में, अगर आपको गिट और गिटहब के रिलेटेड कुछ कोड, आपको कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज द क्वेश्चन गाइस। तो लेट मी गाइस एक्सप्लेन यू द फुल प्रोसेस हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट के कितने ब्रांचेस थे गाइस, आपके रिमोट के, सॉरी ब्रांचेस नहीं, रेपो, दो रिमोट रेपो थे, कौन से थे, एक था मास्टर और दूसरा कौन सा था, डेवलप। तो आप अपना कोड किसके साथ मर्ज करते हो, आप अपना कोड डेवलप के साथ मर्ज करते हो, तो आपको जो भी टेस्ट केस दिया जाता था उस टेस्ट केस के, आपको टेस्ट केसेस कहाँ पर असाइन होते, टेस्ट केस कहाँ पर असाइन होते, जीरा में होते, यस और नो एवरीवन? टेस्ट केसेस कहाँ पर असाइन होते, जीरा में होते, तो जीरा का एक टिकट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा? लेट्स से हमारे टीम का आईडी है ऑटोबॉट, तो ऑटोबॉट, लेट्स से ऑटोबॉट अंडरस्कोर 001 किसी को जो जीरा टिकट असाइन होगा, ये ऑटोबॉट अंडरस्कोर 002 ऐसे ही मिलेगा गाइस, यस और नो? यस और नो? ऐसे ही कोड मिलेगा। तो इसी नाम का आप डेवलप से क्या बनाओगे, आप डेवलप के थ्रू इसका क्या क्रिएट करोगे, यू विल क्रिएट द ब्रांच। आप डेवलप के थ्रू क्या क्रिएट करोगे, डेवलप रेपो के थ्रू आप क्रिएट करोगे ब्रांच, आप ब्रांच क्रिएट करोगे, ब्रांच क्रिएट करके उस ब्रांच को यही टिकट का जो आपके टिकट का जो नंबर होगा वो नंबर आप इस ब्रांच को दे दोगे, यू विल असाइन दिस, ठीक है, आप ये असाइन कर दोगे ब्रांच, ब्रांच को वो नेम असाइन कर दोगे, उसी ब्रांच से कोड आप क्या करोगे, कोड को क्लोन करोगे या फिर कोड को क्या कर लोगे, पुल कर लोगे एवरीवन, यस और नो? सिंपली यू आर गोइंग टू पुल द कोड, आप अपने कोड को पुल कर लोगे। कोड को पुल करने के बाद आपका कोड आपके रिमोट में आ चुका है, यू विल डू द मॉडिफिकेशन, जो भी आपको मॉडिफिकेशन वगैरह करना है, आपको कोड ऐड करना है, रिमूव करना है, सर्टेन चेंजेस करना है, यू विल ऐड, डिलीट, जो भी करना है आपको, कुछ जो भी कुछ कोड ऐड करना है, लेट मी से कोड
एड या फिर लेट्स से गाइस मैं इसको मैनिपुलेट बोलता हूँ, आप मैनिपुलेट कर लोगे या फिर मॉडिफिकेशन कर लोगे, इन अ सिंपल वर्ड कोड में आप कुछ ऐड करोगे या फिर मॉडिफाई करोगे, मॉडिफिकेशंस करोगे। सो जो भी मॉडिफिकेशंस कोड है उस मॉडिफिकेशन कोड को आप क्या करोगे, पहले तो आप कमिट करोगे कि नहीं करोगे। सबसे पहले गाइस आपका कोड जब आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेजिंग में लेके आना है बाय यूजिंग द ऐड, स्टेजिंग से आपको लोकल रेपो पे लेके आना बाय यूजिंग द कमिट। तो सिंपली आप गिट कमिट करोगे, गिट ऐड प्लस गिट कमिट करोगे, एवरीवन ये सुनो, गिट ऐड प्लस कमिट करोगे तो आपका कोड लोकल पे आ जाएगा। जब आपका कोड लोकल पे आ जाएगा, लोकल से आप अपने कोड को कहाँ पर करो, क्या करोगे, अपने कोड को पुश करोगे, पुश करोगे तो वो कहाँ पर चले जाएगा, वो चले जाएगा रिमोट में, बट आपकी जो ब्रांच होगी उसी में जाएगा, जो आपने ऑटोबॉट 001 ऑटोबॉट 002 किया होगा इसी ब्रांच में वो कोड आपका रिमोट पे पुश हो जाएगा। और रिमोट पे पुश हो जाएगा, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट आए हैं तो देखो गाइस आप अपना कोड वगैरह सारा पुश करने के बाद आप कोड को मर्ज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कोड मर्ज करने के लिए वी नीड टू रेज अ रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट, हमें पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है। तो पुल रिक्वेस्ट हमारी जो ब्रांच है, ब्रांच हमारी क्या थी, लेट्स से ये ऑटोबॉट 001 फॉर एग्जांपल, ये हमारी ब्रांच, टू मर्ज, मर्ज किसके साथ करना है, मर्ज करना है हमें किसके साथ, मर्ज विथ, टू मर्ज विथ विथ डेवलप, इसका हम लोग क्या रेज करेंगे, एवरीवन विल रेज द पुल रिक्वेस्ट, हमारे ब्रांच को मर्ज करने का डेवलप के साथ मर्ज करने का पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे। और अगर एक ही टीम में, हमने तो तीन ही एग्जांपल लिए, जब हमारे जैसे 10 12 लोग 15 20 लोग एक ही रेपो पे काम करेंगे, एक ही डेवलप एक ही ब्रांच पे एक ही रेपो पे काम करेंगे, तो डोंट यू थिंक गाइस हमें फ्रीक्वेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, यस और नो। तो अगर हमें ये कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो हम इसको कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करते हैं, सो हाउ एग्जैक्टली वी रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, अगर जब हम लोग पुल रिक्वेस्ट रेस करते हैं, इन केस कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स, अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट अकर हो गए तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना क्या है, हमें गाइस नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्विच करना है। स्विच कहाँ पर करना है, स्विच टू डेवलप ब्रांच पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच करेंगे, डेवलप ब्रांच पे स्विच करके वहां से कोड को क्या करेंगे, कोड को पुल करेंगे, पुल करके अगेन विल स्विच बैक, हम स्विच करेंगे, स्विच बैक टू हमारा ब्रांच, ये जो ऑटो ब्रांच है, ऑटो बॉट जो ब्रांच है, यहाँ पर हम लोग स्विच बैक करेंगे और हम क्या करेंगे, विल मर्ज डेवलप को किसके साथ मर्ज करेंगे, डेवलप को हमारी जो ब्रांच है, लेट मी टेक दिस वन टू द डाउन हियर, डेवलप को मर्ज करेंगे, मर्ज डेवलप विथ हमारी जो ब्रांच है इसके साथ मर्ज करेंगे, करेक्ट एवरीवन। एंड अभी फिलहाल हम लोग ऑटोबॉट 001 में हैं, यहाँ से अपने कोड को क्या कर देंगे, विल डू द पुश ऑपरेशन, हम अपना कोड पुश कर देंगे और हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है, अगर आपको कुछ कमेंट्स नहीं है तो ये जो ये जो आपने PR रेस किया था, जो आपने पुल रिक्वेस्ट रेस किया था, ये जो पुल रिक्वेस्ट आपने मर्ज का जो रिक्वेस्ट रेस किया था, ये इससे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गए। नाउ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो जिसके पास राइट्स होगा, जो आपका सीनियर टेस्टर होगा, आपका टेस्ट लीड होगा, अलग अलग लोग हो सकते गाइस, दे विल बी हैविंग द ऑथोरिटी डू दिस। तो मेरे प्रोजेक्ट में हमें है ऑथोरिटी, हम कोड को हमारे ब्रांच के साथ मर्ज कर सकते हैं, हम रिव्यूज लेते हैं, हमारा टेस्ट लीड भी लेता है, बिंग सीनियर, मैं खुद भी कोड को रिव्यू करता हूँ, कोड को रिव्यू करके गाइस हम कुछ कमेंट्स देते हैं, कमेंट्स को वो लोग रिजॉल्व करते हैं, इसी तरीके से वो स्विच बैक करते हैं डेवलप में या फिर रिस्पेक्टिव ब्रांच में, कोड को पुल करते हैं, अपडेट करते हैं एंड ऑल।
अपडेटेड कोड को पुश करते हैं। इफ वी आर सेटिस्फाइड विद द चेंजेस हम मर्ज ऑपरेशन करते हैं। तो मर्ज वहां पर एक बटन होता है, वो मर्ज बटन क्लिक होते ही ये जो ब्रांच है ये आपका डेवलप ब्रांच के साथ अपना कोड मर्ज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? गॉट इट एवरीवन?